जेएमएम की राज्यसभा सांसद है महुआ जी, बहुत स्वागत आपका भी मंच पर। हमने देखा कि ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, रणनीति क्या तैयार की जा रही है, क्या इस प्रोटेस्ट के जरिए जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की सरकार तानाशाह है, लेकिन ये कोशिश कई मरतबा पहले भी हो चुकी है। देखिए, कोशिश नहीं है ये, आपको समझना होगा कि आखिर विपक्ष ने क्या मांग की थी। विपक्ष तो सदन को इस बार बहुत अच्छे से चला रही थी, 4 तारीख से हमारा सत्र आरंभ हुआ विंटर सेशन, उसमें हर दिन विपक्ष ने पूरी सहभागिता निभाई अपनी। और आपने देखा होगा 0 आवर, क्वेश्चन आवर, स्पेशल मेंशन या बिल्स पर बहसें भी खूब हुई, रात रात तक चली, बहुत देर तक चली। लेकिन अचानक से जब ये सुरक्षा में सेंध लगी, 140 करोड़ जनता जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, वो संशय में आ गई कि भाई एक पार्लियामेंट में जिसकी जो सबसे सुरक्षित भवन है देश का, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस देश के 140 करोड़ जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। और यही सवाल जानने के लिए इस देश के माननीय गृहमंत्री जी से विपक्ष ने कहा था कि भाई आप आके 2-4 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप अपनी बात रख दें, फिर जैसे हाउस चल रहा है वैसे चले। लेकिन सत्ता पक्ष भी अड़ गई कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। दरअसल हर सेशन में ये देखा जा रहा है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर जब जनता की बात जानने के लिए विपक्ष जिद करती है या कहती है तो सत्ता पक्ष भी अड़ जाती है। मणिपुर मुद्दे पर उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे और उसमें पूरा सेशन बाधित रहा। अभी जब विपक्ष ने एक जायज़ मांग की उस पर भी आप चुप रहे, और फिर आपने बिना विपक्ष के बिना बहस कराए महत्वपूर्ण बिल्स को आप लगातार पारित कर रहे हैं। तो जैसे कि रामायण में एक प्रसंग था ना कि लक्ष्मण ने कहा था कि जाके कह दो कैकेयी से, माता कैकेयी से, कि सारे कांटे निकल गए, आप निष्कंटक राज करो। तो शायद भाजपा चाहती है कि हम निष्कंटक राज करें, और इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में 143 सांसदों का निलंबन, ये हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ, जो कि पूरी दुनिया देख रही है आपने किया, ताकि आप निष्कंटक रूप से अपने तमाम बिल्स को पारित करें। उसमें CRPC वगैरह को लेकर जो महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है इस देश के लिए, देश अभी समझ नहीं पा रही है। आप उसको मुद्दे से भटका रहे हैं, आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आने वाले दिनों में देश देखेगा, आप सोचिए कि हमारे देश में इतने सारे पेंडिंग बिल्स हैं, पेंडिंग केसेस हैं न्यायालयों में, आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उसका निष्पादन हो, लेकिन अब आप जो बिल ला रहे हैं उसमें कई धाराएं बदल दी जा रही हैं, इसमें क्या होगा। जो जजेस हैं, जो वकील हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके पास जो किताबें हैं उनमें अलग धाराएं हैं, अब वो जब न्याय करेंगे कैसे करेंगे। पास हो गया है, राज्यसभा में भी इस बिल को रखा जाएगा। जो बात आप कह रही हैं कि ये सरकार की जो कार्यप्रणाली है, रणनीति है, ये विपक्ष को दबाने वाली है, और सरकार ये आरोप लगा रही है कि हमें दबाने की आवश्यकता क्या है। ये जनता तो खुद विपक्ष को मैसेज दे रही है और लगातार देती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विपक्ष का अहंकार है। देखिए, हर बार क्या होता है, चुनाव के पहले आप ऐसे गुमराह करने वाले मुद्दे लाते हैं, जनता पर हावी हो जाते हैं और जनता भावनाओं में बह के आपको वोट देकर चुन ले रही है। लेकिन आप, इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी राजा अनंत काल तक शासन नहीं कर सकता, कोई भी साम्राज्य अनंत काल तक नहीं रहता। उनको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत जल्दी सत्ता पलट भी सकता है। आप इस गुमराह में मत रहे, आप ऐसा काम करें कि जनता आपको साथ लेके आगे चले। आप विपक्ष विहीन अगर पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र का सम्मान आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर विपक्ष मांग कर रही है कि आप सुरक्षा पर बात करें, तो आप अगर बात करें, आप कह रही है मैम, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जनता ही विपक्ष को साफ कर रही है और आगे भी साफ करेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह की राय रखती है। अगर आप अभी जिस तरह से अपनी गतिविधि चला रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को आप संकट में डाल रहे हैं, तो जनता, ठीक है, जनता ने आप पर भरोसा किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा आप पर भरोसा करेगी। वो आपकी हर गतिविधि को देख रही है, वो सब कुछ समझती है। उसको अगर ऐसा लगेगा कि आप लोकतंत्र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जनता कुछ भी कर सकती है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है जी। ये सरकार आरोप लगा रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान करके आखिर विपक्ष हासिल क्या करना चाहती है। एक के बाद एक निचले स्तर की राजनीति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा, उन्होंने कहा कि विरोध की राजनीति होनी चाहिए लेकिन गरिमा का स्तर याद रखना चाहिए। देखिए, इस बात का मैं भी इसको समर्थन नहीं करती, जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत भाजपा ने ही की थी।
भाजपा के कई वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोगों की मिमिक्री की थी, शायद उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, इस तरह की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रयास करना चाहिए, ना कि इसको लेकर राजनीति करके असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए। हम इंडिया अलायंस की बात भी कर लेते हैं महुआ जी, इंडिया अलायंस क्या रणनीति तैयार कर रही है? और मैं आपके प्रदेश की ही बात करूँ अगर झारखंड की, तो किस तरीके से वहाँ पर सीट शेयरिंग? देखिए, हमारे यहाँ आपको पता होगा कि झारखंड में कांग्रेस राजद के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेएमएम से हैं, और वहाँ पे अभी जिस तरह के सरकार आपके द्वार और इस तरह की योजनाएं जो चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा जनता के माने अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है, और उस मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया भी है। तो वहाँ पे सीट शेयरिंग पिछली बार जो हुई थी, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, उसमें ये देखा गया था कि किस सीट को जिताने में कौन पार्टी के कौन से उम्मीदवार सक्षम हैं, और उन्हीं को दिया गया था। तो इस बार भी निश्चित रूप से जो कमेटी बनेगी वो पहले इसका सर्वे करेगी कि किस पार्टी के कैंडिडेट उस सीट को जिता सकते हैं, जिताने का भरोसा दिला सकते हैं, उन्हीं को मिलेगा, इस तरह से निश्चित रूप से बात होगी। झारखंड में बड़ा भाई कौन होगा? झारखंड में बड़ा भाई जेएमएम है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास सीट्स ज़्यादा है और मुख्यमंत्री भी हमारे पार्टी से हैं, और पिछली बार भी लोकसभा में कांग्रेस को ज़्यादा सीट्स दिया गया था क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। तो इस बार भी हमारे आलाकमान और तमाम लोग मिल बैठ के निश्चित रूप से उस तरह से ही कुछ निर्णय लेंगे जो कि सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए आपस में एक सामंजस्य बैठा सके। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर सहमति है? अभी इस पर बात ही नहीं हुई है, अभी जब बात होगी, और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से ही कहा कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा जी। लेकिन फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँ, एक ऐसे नेता, एक ऐसे वर्ग से आने वाले, एक ऐसे समाज से आने वाले, और जब हम अम्ब्रेला की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को आप उस अम्ब्रेला के रूप में देखते हैं जो इंडिया अलायंस को एक सूत्र में बांध सके? देखिए, ये सारा निर्णय हमारे आलाकमान की तरफ से होगा, मैं इस पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे सकती जी। बहुत बहुत शुक्रिया महुआ जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि विरोधी दल लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सदन में अपना हक मांग रहे हैं सवाल पूछने का, तो सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष दरअसल महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहता, इसलिए बार बार हाउस को डिसरप्ट किया जा रहा है।